हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th, चैप्टर 5। 12th क्लास है हमारे पास और चैप्टर है 5। देखो, पहले चैप्टर 5 में क्या दे रखा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस है और कब डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में बताया गया है। एंड डेरिवेटिव आएगा आपका 5th चैप्टर में। चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स है, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, उसको कंटिन्यूस बोलेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। मान लिया किसी पॉइंट पे, किस पे, सी पे, इफ़ एंड ओनली इफ। उसके अंदर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। कि जब भी हम, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें क्या करें, एक्स टेंस टू सी करें, तो हमारे पास जो एफ सी दे रखा है उसके इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अब उससे अगर आगे देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ सी। सी मीन्स जिस भी पॉइंट पे आपको दिया हुआ है, अगर वो तीनों इक्वल हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉन्टीन्यूज है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टीन्यूज नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके अंदर क्या आएगा, एक्स टेंस टू सी माइनस। सी माइनस का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास फंक्शन, मान लें यहाँ पे एक्स सी की जगह वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो एक्स की जो वैल्यू क्या है वो 2 से थोड़ी कम, 2 माइनस है ना, तो 2 से थोड़ी कम, और वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा हम क्या करेंगे कि 2 के अंदर कुछ ऐड कर दिया, कुछ हमारे पास क्या होगा, एच। एच हमारे पास एक माइनर वैल्यू होती है जो हम उसके अंदर प्लस या माइनस करते हैं। अब इसके अंदर जब ऐड करेंगे तब भी उसकी वैल्यू इक्वल आ जाए, और जब हम उसके अंदर मान लिया 2 पुट करेंगे तब भी, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इस पॉइंट पे, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट दी हुई हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। फर्स्ट 13 चैप्टर था 11th में आपका, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था चैप्टर 13 में। किसके इक्वल होगा, एन आगे आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होगा, वेयर एन इज़ ए रैशनल नंबर, और एन हमारे पास क्या है कि रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, थीटा एक्स टेंस टू ज़ीरो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, जब साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा, वन। जब हमारे पास थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तब साइन थीटा बाई थीटा क्या आएगा, वन, एंड थीटा ज़ीरो होगा तब टेन थीटा बाई थीटा भी क्या आएगा, वन। उसी तरह जब साइन थीटा और थीटा पे था वन, तो इसी तरह अगर एक्स टेंस टू ज़ीरो होगा तो इनवर्स पे भी क्या आएगा, दोनों में वन। फिर हमारे पास ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ए हमारे पास कोई भी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, माइनस वन बाई एक्स, तो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस ई बाई ए, ये हमारे पास लॉग ऑफ ई, ये क्या है, लॉग ऑफ ई बेस, क्या लिखेंगे इसको, लॉग ए, वेयर ए है वो हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से बड़ी आएगी तभी तो हमारे पास ए बड़ा है। लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो, लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो होगा ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स किसके इक्वल है, लॉग ऑफ ई इंटू ई, लॉग ऑफ ई ई दे रखा है, तो वो हमेशा जब हम उसको ओपन करते हैं लॉग से ई कैंसिल होता है, तो क्या बचेगा हमारे पास से, वन। सिक्स है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई। ई हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, ओनली कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, पूरी की पूरी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे डिपेंड है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूस है। हमें ये प्रूव करना है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5। इन तीनों के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूस है। तो क्या करेंगे, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x माइनस 3 दे रखा है। कंटिन्यूटी एट किस पे चेक करें, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 के लिए। लिमिट हमारे पास क्या, x टेंस टू 0 एफ एक्स, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 5x माइनस 3। अब लिमिट x टेंस टू 0 x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास से माइनस 3 आ जाएगा। और जब हम इसके अंदर f 0 जो भी हमारे पास फंक्शन उसमें सिंपल वैसे 0 पुट करते हैं तब भी क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0, दोनों क्या आ गए माइनस 3, और दोनों हमारे पास इक्वल है तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसी तरह है एट x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 के लिए अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3, फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3, पुट करेंगे x टेंस टू माइनस 3, माइनस 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जा माइनस 15, माइनस 3 माइनस 18। इसी तरह जब हम फंक्शन के अंदर माइनस 3 पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, माइनस 18। तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 के लिए भी अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू 5 के लिए भी फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी बतानी है इस फंक्शन पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए हमें कंटिन्यूटी बतानी है, फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे कैसे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन हमें ये दे रखा है, अब हम इस पे तीन मेथड अप्लाई करेंगे, तीनों के तीनों क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या बताया था, जिस भी पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं उसमें से कुछ माइनस करेंगे, और क्या माइनस किया, h। हमें 3 के लिए निकालना था तो क्या कर दिया, x टेंस टू 3 माइनस एच, और फंक्शन क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, एच टेंस टू 0, 2 आगे ले लिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1, 2 आगे आ जाएगा, 3 माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 1, एच टेंस टू क्या है 0, अप्लाई कर देंगे 2 एज इट इज़, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 माइनस 1 17। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 17। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच, अब 3 प्लस एच के लिए हम निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, x टेंस टू 3 प्लस एच हमने अप्लाई कर दिया है x स्क्वायर की जगह, तो क्या है लिमिट, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो लिमिट h टेंस टू क्या रखेंगे 0, 2 x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 एज इट इज इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच माइनस 1। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे h की वैल्यू, ये भी 0 ये भी 0, क्या आ जाएगा 2 9 और माइनस 1, 2 9 जा 18, 18 माइनस 1 17। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे निकालना था वो वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3, एफ 3 क्या आ जाएगा 2, 3 का स्केयर माइनस 1, 3 का स्केयर 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 17। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूस, क्योंकि तीनों हमारे पास कैसे आए, 17, तीनों इक्वल हैं, और अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूटी। हमें इन फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, लेकिन हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया। अगर हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया तो हम किसी भी पॉइंट सी, हमारे पास कोई भी एक कॉन्स्टेंट होता है और सी लेके हम सी के लिए अप्लाई करके दिखा देंगे कि सी हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट के लिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी हमने क्या मान लिया कोई भी रियल नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू सी आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस फाइव, क्योंकि फंक्शन क्या है एक्स माइनस फाइव, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दे रही है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच, फंक्शन क्या है एक्स माइनस फाइव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह क्या रखेंगे सी माइनस एच और माइनस फाइव, एच हम जीरो पुट कर देंगे जीरो हो जाएगा क्या आएगा सी माइनस फाइव। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच इंटू एक्स माइनस फाइव, अब इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगी, एक्स की जगह क्या पुट किया सी प्लस एच माइनस फाइव, एच हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ से सी माइनस फाइव, और जब हम इस फंक्शन के अंदर सी पुट करते हैं एक्स की जगह तो भी क्या आता है सी माइनस फाइव, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या बोल देंगे फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है सेकेंड, बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस फाइव, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और क्या दे रखा है वन बाई एक्स माइनस फाइव, एफ सी किसी भी पॉइंट सी के लिए मान के चल पड़े हम, वन बाई सी माइनस फाइव के लिए मान के चल पड़े, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा सी माइनस एच, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच वन बाई एक्स माइनस फाइव, एक्स की जगह हमने क्या रखा सी माइनस एच माइनस फाइव, फिर हम एच टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो और क्या आ जाएगा सी माइनस फाइव, फिर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच वन बाई एक्स माइनस फाइव, एक्स की जगह हम क्या करेंगे सी प्लस एच माइनस फाइव, एच टेंस टू जीरो है ये जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा वन बाई सी माइनस फाइव, अब सी जब हम इसके अंदर सी अप्लाई किया था ये आ रखा है तो तीनों सेम आ गए हमारे पास, इसलिए क्या बोल देंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई एक्स प्लस फाइव, अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस फाइव स्केयर बाई एक्स प्लस फाइव, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अप्लाई कर दिया प्लस वाले से प्लस का कैंसिल क्या आया एक्स माइनस फाइव, और यही हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट किया था तो वहाँ से सेम है, सेम फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डी, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव, अप्लाई कर दिया सी क्या आ जाएगा मोड ऑफ सी माइनस फाइव, ये क्या आएगा सी माइनस फाइव आएगा, सी हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन, बाकी हम इसका मोड एज इट इज रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट हमने अप्लाई की एक्स टेंस टू सी माइनस एच, सी माइनस एच हमने अप्लाई किया तो एक्स माइनस फाइव है, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया सी माइनस एच माइनस फाइव, एच हमारे पास जीरो हो जाता है क्या आएगा मोड ऑफ सी माइनस फाइव। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में अप्लाई करेंगे लिमिट सी प्लस एच एक्स माइनस फाइव, एक्स की जगह पुट किया सी प्लस एच माइनस फाइव, एच हमारा जीरो हो जाएगा क्या आ जाएगा सी माइनस फाइव का मोड, तो हमारे पास क्या है एफ ऑफ सी, एफ और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, हमें ये प्रूव करना है कि कोई फंक्शन एक्स की पावर एन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, किसके लिए एक्स इज इक्वल एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू एन के लिए, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर और एन क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन गिवन है आपके पास, अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू n, पहले हम n अप्लाई कर दिया तो क्या है एफ एन एन की पावर n, ये हमारे पास आ गया फंक्शन, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे n माइनस x की जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो क्या करेंगे n माइनस h कर देंगे, x की पावर n फंक्शन x की जगह क्या रखेंगे n माइनस h पूरे की पावर n इज इक्वल टू h टेंस टू जीरो है, ये हमारे पास क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो क्या आ जाएगा n की पावर n। इसी तरह है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव,
एफ एक्स से, एन पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एच आ जाएगा, एक्स की पावर एन, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एन प्लस एच की पावर एन इज इक्वल टू, एच की जगह जीरो पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, एन की पावर एन, तीनों क्या आ गए एन की पावर एन, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, जब तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ और ये डिफाइन कर रखा है कि एक्स की वैल्यू वन से वन के इक्वल है या वन से छोटी है तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, जब वन से बड़ी आएगी वैल्यू तो क्या आएगा, फाइव आएगा। कंटिन्यूज दैट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, तीनों के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो कैसे, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एफ ज़ीरो, एक्स हमारे पास ज़ीरो पुट करेंगे, जब हमारे पास ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो कैसा है, छोटी वैल्यू दे रखी है ना हमें कि या तो दे रखा है वन के इक्वल होगा या फिर यहाँ पे वन से छोटी वैल्यू होगी, अगर वन से छोटी होगी तो फंक्शन क्या है, एक्स है, यहाँ हम ज़ीरो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वन से छोटा हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके अंदर एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट किया तो भी क्या आएगा, ज़ीरो, जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ज़ीरो, तो क्या आया, ज़ीरो, एक्स की ज़ीरो पुट करके दिखा दिया तब भी क्या आया, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तब भी ज़ीरो आया, दोनों में हमारे पास क्या आया, ज़ीरो। फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस, कैसे है डिसकॉन्टीन्यूस, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है कि उसकी वैल्यू जब हमारे पास एक्स या तो इससे वन के इक्वल होगा या फिर वन से छोटा होगा तब हमारे पास क्या आएगा, एक्स, लेकिन अगर वो इससे बड़ा होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फाइव, अगर हम इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा हमारे पास, तो लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस, हेंस द फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। नेक्स्ट है एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, फंक्शन के अंदर अगर हमने वन पुट किया तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, लिमिट क्या है, वन माइनस एच, माइनस कर देंगे अगर उसमें से कुछ कम कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स है हमारे पास फंक्शन, तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एच, फंक्शन एक्स है, एक्स पे हमने अप्लाई किया वन माइनस एच, एच हमारे पास जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एच है, जब हम फंक्शन के अंदर वन प्लस एच करेंगे वन से कुछ बढ़ाएगा, वन से कुछ बढ़ाएगा तो फंक्शन क्या है, फाइव, तो क्या आ जाएगा, फाइव, अब इसके अंदर एक्स है ही नहीं, कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ फाइव आ गया। अब देखो जब वन ये वैल्यू अप्लाई की तब वन आया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट वन आई, बट राइट हैंड नॉट इक्वल टू वन, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस। इसी तरह से हम किसके लिए अप्लाई करके दिखा देंगे, एट टू के लिए अप्लाई करके दिखा देंगे, एट टू के लिए क्या दे रखा है कि अगर टू के इक्वल है या टू से बड़ी दे रखी है या टू से लेस दे रखी है, सभी के लिए हमारे पास क्या आएगा, फाइव आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। आप ट्राई करना इसको। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री होगा इफ कब, जब एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन टू होगी या फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू टू होगी, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू या तो टू है या टू से छोटी दे रखी है। टू एक्स माइनस थ्री होगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू होगी, टू से बड़ी होगी। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, हमने रियल नंबर ले रखा है कोई एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स की तीन कंडीशन दे रखी हैं कि एक्स हमारा टू के इक्वल होगा, लेस देन टू होगा और ग्रेटर देन टू होगा। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट में टू में से कुछ माइनस किया, टू में से अगर हमने कुछ माइनस किया तो देखो अगर माइनर से माइनर चीज़ करेंगे तो टू से कम आएगी ना हमारे पास वैल्यू, टू में से कुछ कम किया तो टू से कम आएगी, टू से कम आएगी, टू से कम के लिए क्या है फंक्शन, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री अप्लाई कर दिया, एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स की जगह क्या कर दिया, टू माइनस एच प्लस थ्री, अब h की जगह 0 आ जाएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू टू प्लस थ्री, टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन।
नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर टू के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो टू से बड़ी आएगी, टू से बड़ी आएगी तो क्या दे रखा है, सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक्स ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री कर देंगे, टू एक्स माइनस थ्री, टू एज इट इज, एक्स की जगह हमने अप्लाई किया टू माइनस एच माइनस थ्री, टू टू और एच की जगह क्या रखा, जीरो माइनस थ्री, टू टू जा फोर, फोर में से थ्री जाएगा वन। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा यहीं पे हमारा। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।